भोजपुरी स्टाइल में चिकन बनाए के नया तरीका, नया मतलब तरीका भोजपुरी स्टाइल का। प्याज बा, लहसुन बा, हमें और हल्का तेल डाल के भुजाते हैं। अब हमें हल्का तेल डाल के भुजले बाद में हमें मसाला है, हल्दी, धनिया और गरम मसाला, मरचा पाउडर सब एहन बा। कटोरो वाला गरम मसाला हो, दालचीनी वालचीनी का हल्के कागा रहा गरम मसाला हो। अभी यहाँ से ऐसे पाक आते हैं, ऐ हिसाब से पाकी, ऐ हिसाब से पकड़े के बाद में अब मासू हमें डाल रहा। मासू डालने के बाद में अब एक छीन होई, एक एक छीन पकाए परी। पकैले के बाद में अभी तनिक हल्का बाहर से निकाल के डराता कि जनो पानी ना आया है, कई के मारे हमें डराता। और पानी ना रहने से ये हिसाब से अब होई एक चला दम मजे से चला दा के मसाला जाने भिन जाए। तो मजे से चला गई तो मसाला भिन जाए, तो मसाला भिनने के बाद में अब ऐसे मसाला मिला दा चला के। अभी होइल करी चलाइल के मसाला मिल जाए, मिलने के बाद में तब ऐसे हो। अब ये हिसाब से होइल करे ऐसे आराम से होइल कर, हल्का बारे दा धीरे धीरे बढ़ी तब हल्का से सीधल करे, नहीं तो कहाँ ना ढेर भरे लगे तो जरे लगे करही हम लग जाए। हल्का हल्का बराता है मसाला करा हम लग जाए धीरे धीरे बारे दा। एक बाद में होइल करे आराम से सीधा दा, अब सीधल करे ऐसे। अब हम नून छोड़ा गए, अब एक बार में तब नून छूट गए तो पानी अब जो हम तैयार हो गए तो हल्का निकाल के खा सका था यहाँ से। नून तो नहीं पड़ा ला, अब नून छोड़ा था। इन्होन हल्का से नॉन छोड़ दा अपना आवश्यकता अनुसार, केहू तेज खाई केहू कम खाई, तब वही से थोड़ा थोड़ा खाई के नॉन छोड़ दा। वही हिसाब से नॉन छोड़ने के बाद में चला दा, चलाने के बाद में सब मिला दा, सब मिला के ऐसे भेज जाए। तब हल्का पानी छोड़ दे, नून थप दे हाथ थोड़ा के कम ना हो कह के हल्का पानी छोड़ दे, उसके बाद में तोप दे। अब ऐसे होइल करी आराम से ऐसे होई तोप दे धीरे धीरे बरल करी बरल करी, तेके चला के तोप दे। मतलब उसके बाद में 5-7 मिनट अपना एक हो जाता जनक तरे न लागे कराही में, कराही में लग जाए तो फिर मास एक धो एना तो चलाइल करा मसाला न लागे। मसाला न लागे हमारे चलाए कर अभी मसाला नहीं, अब हो गया रेडी तैयार हो गई स्पेशल चिकन तैयार भोजपुरी स्टाइल गांव देहाती स्टाइल। हमारे गांव में ऐसे बना के खाई जाला, बहुत टेस्टी होला। एक आप सब गांव घर में बना सकल जाए, ये स्टाइल से होटल में भी बना सकल जाए, तो मस्त हो गई रेडी।